I'm Sumbal Khan presenting my sixth lecture of class 2 from New Oxford Social Studies. Unit number 8, Geography, Lesson number 14, weather worksheet. Here is your book title page. Okay, but it's your वर्कशीट अबाउट वेदर यू हैव लर्न अबाउट वेदर इन योर क्लास ठीक है आपने क्लास में वेदर के बारे में पढ़ा है वैसे भी आपको वेदर के बारे में पता है कि वेदर होता क्या है वाट इज़ वेदर इट मीन्स द डे टू डे चेंजेस कंडीशन ऑफ हीट एंड कोल्ड ड्राइनेस इन एवरी प्लेस ठीक है वेदर हमारा डेली बेसिस पे चेंज होने वाला होता है जैसे आज अगर फॉर एग्जाम्पल क्लियर है तो कल क्लाउडी हो जाएगा अब हम जैसे वेदर फोरकास्ट भी देखते हैं कि आज क्या है कल क्या है हमारे पास सीजनस हैं आपने सीजन पढ़े थे फोर सीजनस हैं हमारे पास ठीक है स्प्रिंग समर ऑटम और विंटर हमारे पास ये सीजनस होते हैं इन सीजनस की अपनी स्पेशलिटीज़ हैं ठीक है थीके? स्प्रिंग में क्या होता है स्प्रिंग में आपको ठंडा वेदर और प्लेजेंट सी एक इन्वामेंट आपको मिलता है फ्लावर्स ब्लूम होते हैं इन इस वेदर में समर में जो है वो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और दिन बहुत गर्म होता है बारिश बहुत कम होती है रेनफॉल जो होता है हमारा वो बहुत उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है इसके अलावा ऑटम में ऑटम में हमारे पास जो हमारे लीव्स हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं ठीक है थीके? और और उसके लीव्स के जो कलर होते हैं वो चेंज होना शुरू हो जाते हैं वो आपको ऑरेंज कलर के दिखाई देते होंगे और विंटर्स में और आपको पता है ये हमारा सीज़न विंटर का ही चल रहा है विंटर में आप क्या करते हैं विंटर में आप स्वेटर्स यूज़ करते हैं हमारी बहुत कोल्डनेस हो जाती है स्नो होती है रेन ज़्यादा हो जाती है और ब्रीज़ बहुत ज़्यादा क्या होती है ठंडी <coughs> हो जाती है ठीक है ये हमारे पास आ जाएगा अब इसकी वर्कशीट आ जाएगी एज यू कैन सी uh, हम मैंने आपको वर्कशीट दी है क्योंकि हमारा कोर्स ख़त्म हो चुका है ऑलमोस्ट सब खत्म हो गया है सो हम अब वर्कशीट्स पर आ रहे हैं उसके बाद हम रिविजन पर जाएंगे यू कैन टेक इट एज अ होमवर्क एज योर क्लास वर्क ठीक है आपने नीटली अपने रजिस्टर्स पर करना है ये काम आप इसको जो है वो फ, फिल फ़िलिंदी ब्लैंक्स की फॉर्म में लिखेंगे ऑप्शंस मत लिखिएगा जब आप फिल फिलिंदी ब्लैंक्स की फॉर्म में लिखेंगे जस्ट ब्लैंक्स की फॉर्म में लिखिएगा ठीक है ऑप्शंस ना लिखिएगा ब्लैंक्स फिल कर लीजिएगा चूज द बेस्ट आंसर्स चूज द बेस्ट आंसर्स कर लेते हैं हम दिस वन दे आर डैश सीजन्स इन अयर सीजन्स हमारे पास कितने होते हैं पूरे साल में फ़ोर सीजन होते हैं ठीक है ये ब्लैक में यहाँ लिख लीजिएगा ऑप्शन पर ना लिखिएगा इन डैश वेदर इज़ कूल एंड प्लेजेंट कौन सा वैदर ऐसा होता है जिसमें ठंडी हवाएं और अच्छे हमें खुशगवार मौसम मिल रहा होता है स्प्रिंग में हमें मिल रहा होता है ठीक है बाहर का मौसम होता है द सीज़न बिटवीन समर एंड विंटर इज़ समर और विंटर के बीच में यानी पहले समर आ रहा है फिर कौन सा सीजन है और फिर विंटर है बीच का जो सीजन है वो कौन सा होता है वो ऑटम होता है ठीक है और इसके बाद हमारा है ओके द हॉटेस्ट टाइम ऑफ द ईयर इज कॉल्ड सबसे ज्यादा गर्म टाइम हमारा और सबसे लंबा सीजन कौन सा होता है हमारा गर्मी का समर होता है आपने देखा होगा कि समर का सीज़न सबसे ज़्यादा गर्म भी होता है और सबसे लंबा सीज़न भी होता है ठीक है विंटर ऑटम और ये वो हमारे पास बहुत कम टाइम के लिए होते हैं नेक्स्ट देखिए वो क्या कह रहे हैं इन इंडैश फ्लावर्स ब्लूम एंड न्यू लीव्स अपीयर ऑन प्लांट्स कौन सा सीज़न ऐसा होता है जिसमें हमारे फूल खिलते हैं नए पौधे लगते हैं नए पत्ते लीव्स जो है वो दरख्तों पर आते हैं तो वो हमारे पास स्प्रिंग सीजन ऐसा होता है ऑटम में लीव्स गिरना शुरू हो जाते हैं उनके कलर्स जो हैं वो चेंज होना शुरू हो जाते हैं और स्प्रिंग में जो है वो हमारे पास इन सब की न्यू स्टार्ट हो जाती है ब्लूमिंग स्टार्ट हो जाती है ठीक हो गया ये अगेन एम रिपीटिंग आपने बहुत नीटली करना है अपने रजिस्टर्स पर थैंक यू सो मच डेन फॉर टुडे तो